दोस्तों ये है राजस्थान में चंबल के किनारे बसा भारत का बड़ा ही मशहूर कोटा शहर। यह शहर कई वजहों से विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है। भारत का बच्चा बच्चा इस शहर के बारे में जानता है क्योंकि कोटा को भारत की एजुकेशन सिटी जैसे स्वर्णिम शब्दों से बुलाया जाता है। कोटा भारत में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर्स बहुत ज्यादा फेमस है। कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जाने वाले स्टूडेंट्स काफी ज्यादा रहते हैं जो भारत के विभिन्न कोनों से आकर अपने सपनों को आजमाने आते हैं। यहाँ पर बंसल क्लासेस, एलेन इंस्टीट्यूट जैसे ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। दोस्तों यह शहर जयपुर से 240 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है जहाँ पर लगभग 12 लाख की जनसंख्या पाई जाती है जो इसे राजस्थान का तीसरा मोस्ट पॉपुलर शहर बनाता है। इस शहर का क्षेत्रफल लगभग 221 वर्ग किलोमीटर है जहाँ की धरती पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जो इसे भारत का 40 सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बनाता है। देश भर से आए विद्यार्थियों और काम करने वाले मजदूरों की वजह से यहाँ की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है। यहाँ की कुल आबादी को जनसंख्या के साथ बांटा जाए तो यहाँ करीब 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। शहर की आबादी में से 82% लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 895 महिलाओं का लिंगानुपात पाया जाता है। कोटा शहर धार्मिक लिहाज से भी बड़ा ही डाइवर्सिटी वाला शहर है। यहाँ की आबादी में सबसे ज्यादा 80% लोग हिंदू समुदाय से आते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय इस्लाम में मानने वालों का है जिनका हिस्सा लगभग 16% है। इसके अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा से बसने वाले लोग हाड़ौती राजस्थानी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। इसके अलावा हिंदी, मारवाड़ी और अंग्रेजी भाषाएं बोलने वाले लोग भी शहर में रहते हैं। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह शहर काफी सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है। सबसे पहले तो बात करते हैं कोटा जिले के ग्रामीण इलाकों की जहां पर ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन का काम करते हैं। यहां पर कपास, गेहूं, सरसों जैसी फसलें ज्यादातर मात्रा में उगाई जाती हैं। कोटा में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले स्टोन्स की पॉलिशिंग की जाती है जो भारत भर में कोटा स्टोन के नाम से जाने जाते हैं। ये शहर में ट्रेडिशन साड़ी के डिजाइन 2-3 सदियों से बनाए जा रहे हैं जो विलुप्ति के कगार पर जा चुके थे, लेकिन फैशन डिजाइनर्स में काम करने वाली अभिनेत्रियों ने फिर से जिंदा कर दिखाया। आज कोटा शहर की डोरिया साड़ी भारत में अपनी अलग पहचान रखती है। इसके अलावा भी कोटा नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल हब में से एक है। यहाँ सीमेंट, केमिकल्स और कई सारे इंजीनियरिंग कंपनीज मौजूद हैं। कोटा के 70 किलोमीटर के क्षेत्र में 5 बड़े पावर प्लांट हैं, जिनमें से 4 पावर प्लांट पर चलने वाले हैं और 5वां पावर प्लांट पर आधारित है जो कोटा से 65 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में मौजूद है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कोटा के कितने मायने हैं ये तो हर कोई जानता है। हर साल कोटा शहर में देश भर से 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। ये बच्चे यहाँ कोई डिग्री लेने नहीं बल्कि कोचिंग लेने आते हैं। कोटा देश भर में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेई, IIT और नीट जैसे मेडिकल एग्जाम्स की बेहतरीन कोचिंग के लिए फेमस है। देश भर से आने वाले ये बच्चे कोटा में लॉन्ग टर्म एजुकेशन टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं जो इस शहर को हर साल $488 मिलियन फायदा भी देता है। इतने सारे बच्चों के शहर में आने से लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। शहर में काम करने वाले ट्रैवल और हॉस्टल सर्विसेज की डिमांड में काफी बढ़ोतरी होती है जिससे हजारों लोगों को और भी रोजगार मिलता है। यहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा लोग ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। कोटा जंक्शन मुंबई और दिल्ली रेलवे लाइन पर मौजूद है जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर आता है। कोटा जिले में 4 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इस शहर में भारत के दूरस्थ हिस्सों तक जाने वाली लगभग 182 ट्रेन इसे हॉल्ट की तरह इस्तेमाल करती है। कोटा के सबसे पास जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
जहां बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोटा में भी एक सिविल एयरपोर्ट मौजूद है जो यहां के प्रिंस द्वारा बनाया गया था। 1951 के बाद इस एयरपोर्ट को भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जहां से इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और जैक्सन एयरलाइंस की सुविधाएं दी जाती है। यहां की अथॉरिटी जहां एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए प्लान बना रही है। हिसार से नेशनल हाईवे और 52 भी गुजरते हैं, जिनमें NH-27 उदयपुर कानपुर से होते हुए गुवाहाटी तक जाता है। यह रोड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हिस्सा है, जो पोरबंदर से शुरू होकर सिलचर तक जाता है। इसके अलावा NH-52 जो इसे हिसार, जयपुर, सोलापुर और हुबली से जोड़ता है। यह नेशनल हाईवे पंजाब को कर्नाटक से जोड़ता है। इसका नॉर्दर्न सिरा संगरूर से शुरू होता है और दक्षिण में कर्नाटक के अंकोला में जाकर खत्म होता है। इसके अलावा यहाँ से 3 एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाले हैं, जिनमें कोटा हैदराबाद एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होने वाले हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।